पिछले वीडियो में मैंने आपसे वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु के बारे में डिस्कस करेंगे। विंटर शीत ऋतु। दिस सीजन लास्ट फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर टू मिड ऑफ फरवरी। यह ऋतु नवंबर के मध्य से फरवरी के मध्य तक चलती है। The different names for the different temperatures experienced in this season are, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं इस ऋतु को। कूल, नॉट वार्म बट नॉट कोल्ड, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं। चिली, वेयर ए स्वेटर, जब स्वेटर पहनने की बारी आ जाए। निपी, जब कोट पहनना पड़ता है या थर्मल्स पहनने पड़ते हैं। कोल्ड, वेयर ए वार्म कोट एंड स्कार्फ, अब चेहरा भी ढकना पड़ता है यानी कि ठंड बढ़ गई है अब। फ्रीजिंग, वार्म हेड, जंपर, कोट, एवरीथिंग, सब कुछ पहनना पड़ता है। फ्रीजिंग यानी कि करीब करीब जीरो के पास पहुंच जाता है, उसको फ्रीजिंग बोला जाता है। बिलो जीरो, इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जैसे वेदर रिपोर्टर्स, न्यूज रीडर्स, ये लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का, बिलो जीरो। फिर आर्टिक वेदर, ये वेदर वहां पाया जाता है जहां पे पेंगुइन्स होते हैं, यानी कि बहुत ही ठंडी जगह, आर्टिक एरिया, एंटार्क्टिक एरिया, टुंड्रा रीजन। इसका मतलब है आप घर में रहने का समय आ गया है, बाहर नहीं जाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक वेदर। विंटर सीजन के कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हैं, जैसे कोल्ड ब्रीज, ठंडी बहती हवा। जब हम कहीं गार्डन में बैठे होते हैं, ठंडी हवा लगती है हमें, तो हम कहते हैं कोल्ड ब्रीज। कोल्ड वेव, थोड़ा सा फर्क है कोल्ड ब्रीज और कोल्ड वेव में कहने का, लेकिन असल में इनमें बहुत फर्क है। कोल्ड वेव यानी कि शीत लहर, ये आदमी सहन नहीं कर पाता है, इसमें बहुत सारी मौतें भी हो जाती है। तो कोल्ड वेव मतलब शीत लहर। जब बहुत ठंडी होती है तो हम कहते हैं इट इज टाइम टू रैप अप, यानी कि अब लपेटने का समय आ गया, अपने आप को लपेट लो ठंडे कपड़ों में, उसे हम कहते हैं टू रैप अप। फ्रेंड्स, इन माय लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट रेनी सीजन। पिछले वीडियो में हमने वर्षा ऋतु पर डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट विंटर सीजन। इस वीडियो में हमने शीत ऋतु पर डिस्कस किया। इन माय फॉलोइंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट समर सीजन, ऑटम एंड स्प्रिंग। मेरे आने वाले वीडियोस में हम ग्रीष्म ऋतु, ऑटम और स्प्रिंग सीजन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, have a nice day.